अच्छा, आज की लैब में हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लेआउट्स डिज़ाइन करेंगे यूजिंग बेसिक, जो हमने से पहले लैब्स में बेसिक गेट्स के लेआउट्स डिज़ाइन किए थे उनको यूज़ करके। अच्छा, दो तरीके हैं। एक तो मैनुअल तरीका वो वही तरीका है जो हमने से पहले स्कीमेटिक्स के लिए जो यूज़ किया था, यानी जब फुल एडर आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था, तो वहाँ पर आप लोगों ने जो बेसिक गेट्स के आइकन्स को यूज़ करके, तो उससे फिर आपने कॉम्प्लेक्स फंक्शन जिस तरह एक तो फुल एडर था वो इम्प्लीमेंट किया था। तो एक तरीका तो ये है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं चले एग्जांपल से स्टार्ट कर लेता हूँ। एक नया सेल क्रिएट करता हूँ और मैं एंड गेट को क्रिएट करता हूँ यूजिंग नैंड गेट एंड इन्वर्टर। सो क्रिएट न्यू सेल, सपोज उसका नाम मैं एंड टू इनपुट रख देता हूँ, ठीक है। एंड ये लेआउट में डिजाइन करना चाहता हूँ। सो अब ये लेआउट में डिजाइन करूंगा यूजिंग नैंड गेट एंड इन्वर्टर। सो सबसे पहले मैं ये चेक कर लूँ कि इसमें पहले से कोई एरर तो नहीं है। डीआरसी नो एरर एंड ऑल्सो ईआरसी नो एरर, ठीक है। हाँ अच्छा, इसी तरह इन्वर्टर का मैं चेक कर लूँ तो इन्वर्टर भी अब मेरे पास नो एरर एंड ईआरसी नो एरर, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर एरर हुए तो वो प्रोपेगेट होंगे एंड गेट में। सो अगेन मैं जो है ये नैंड गेट हुआ एंड वी हैव दिस इन्वर्टर। सो अब मुझे कनेक्ट करना है नैंड का आउटपुट इन्वर्टर के इनपुट के साथ। एंड देन एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको करीब कर लूँ, और फिर मुझे आउटपुट, तो ये बी है, आउटपुट बी एंड देन आउटपुट सॉरी इनपुट बी एंड इनपुट ए, आउटपुट नोड एंड देन वीडीडी को वीडीडी के साथ कनेक्ट करते हैं, और वीडीडी नोड को भी हमने यहाँ पर फिर एक्सपोर्ट करना है। सो ग्राउंड टू ग्राउंड के साथ और फिर इसको यहाँ पर, ठीक है। ये अब हमारे पास नैंड और इन्वर्टर से हमने एंड गेट डिजाइन कर लिए। सो अब एक चीज रह गई, वो एक्सपोर्ट करते हैं नोड्स को। तो कंट्रोल ई, आउटपुट नहीं ये इनपुट है एंड दैट वाज बी, ठीक है। इसी तरह कंट्रोल ई एंड नाउ दिस इज इनपुट ए, एंड कंट्रोल ई दिस वाज आउटपुट, लेट्स सपोज इसको ओ कह देता हूँ, ठीक है। देन वी हैव कंट्रोल ई एंड दिस इज नाउ अननोन रख देता हूँ, दिस इज वीडीडी। और फिर हमारे पास ये जो है कंट्रोल ई एंड अननोन ही इसको रख देता हूँ, लेट्स सपोज दिस इज जेएनडी ग्राउंड, ठीक है। अच्छा, इस नैंड गेट की इम्प्लीमेंटेशन सिमुलेशंस फिलहाल मैं नहीं कर रहा, ये मैं आप पे छोड़े जा रहा हूँ कि आप इसको करें। अच्छा, इसका ये तो दो हमारे पास बेसिक गेट्स हैं, दो लेआउट्स हैं, सो इनका कनेक्शन बड़ा सिंपल सा था। क्या हो कि अगर हमारे पास बहुत सारे जो है वो लेआउट्स हों, उनको आपस में कनेक्ट करना हो, तो फिर उस केस में हमारे लिए जो है वो मैनुअल कनेक्ट कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा हेक्टिक सा काम है। तो अमूमन ये होता है कि हम लोग जो है वो उसके लिए ऑटोमेटेड टूल्स यूज़ करते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है इलेक्ट्रिक सॉफ्टवेयर, ये भी किसी हद तक आपको ये ऑटोमेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। ये ऑटोमेशन कितनी पावरफुल है ये फिलहाल डिस्कवर करने की ज़रूरत है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि बड़े बेसिक एलिमेंट्री लेवल पर ये लोग ये जो है ये आपको ये ऑटोमेशन करके देता है लेआउट्स की। लेकिन
कमर्शियली बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो आपको बड़े पावरफुली जो है इन लेआउट्स को ऑटोमेट करता है, जैसे कैडेंस हुआ या साइनॉप्सिस हुए, लेकिन वो कमर्शियली अवेलेबल हैं और ओपन सोर्स नहीं है। तो ओपन सोर्स में ही एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, ऑल्दो ये जिस लेवल तक आपको ये ऑटोमेशन करके देता है उससे कतई नज़र ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि कौन से स्टेप, वो तरीका क्या है जिससे ये ऑटोमेशन हो रही है, वो समझने की ज़रूरत है। सो ज़रा उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसको भी करने के दो तरीके हैं। एक पहला स्टेप मैं ये करूँगा कि जो इसके अपनी बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं इस सॉफ्टवेयर की, इलेक्ट्रिक VLSI की बिल्ट इन जो लाइब्रेरीज हैं, पहले स्टेप में मैं वो यूज़ करूँगा। और सेकंड स्टेप में जो है मैं फिर हमने जो सेल्स बनाए हैं उनको यूज करके तो फिर बड़े सर्किट्स की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन वो हम ऑटोमेटेड लेआउट्स, दोनों केसेस में हम ऑटोमेटेड लेआउट्स जो है वो जनरेट करेंगे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि हम अमूमन करते ये कि हम कोडिंग से लेआउट जनरेट करते हैं, तो यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि हम कैसे कोडिंग से, यानी VHDL या वेरी लॉग कोडिंग से हम कैसे लेआउट जनरेट करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक VLSI है ये ज़्यादा ज़्यादा जो है VHDL कोडिंग को सपोर्ट करता है। वेरी लॉग कोडिंग में मैंने ऑटोमेटेड लेआउट जनरेट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें काफ़ी सारे बग्स आ रहे थे। तो यहाँ पर हम VHDL की जो लैंग्वेज है वो यूज करेंगे। अच्छा, आते हैं, यानी आते हैं अपने लैब की तरफ, और वो ये है कि हम लेट सपोज एक हाफ एडर पहले बनाएंगे, ठीक है ना, लेकिन जो इनकी बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं उनको यूज करके, और फिर हम हाफ एडर की स्कीमेटिक जब बना लेंगे तो फिर उससे हम लेआउट जनरेट करेंगे, ठीक है। तो मैं एक नया सेल बना रहा हूँ, क्रिएट न्यू सेल स्कीमेटिक, और स्कीमेटिक का नाम मैं दे रहा हूँ लेट सपोज हाफ एडर, लेट सपोज मैं इसको कहता हूँ कि ये चले हाफ एडर HA, ठीक है ना। ये स्कीमेटिक यहाँ पर अभी ओपन हो गई। अब मैंने इनकी बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं उनको यूज करना है। सो यहाँ पर ये जो सिंबल्स नजर आ रहे हैं, एंड गेट है हमारे पास, एक्सॉर गेट है, एंड और गेट है, मैं इनको यूज करूंगा। सो फॉर हाफ एडर वी नीड एन एक्सॉर गेट और एक एंड गेट की जरूरत होगी हमें, ठीक है। सो मैं इसको, अब एक इनपुट होगा, इनपुट ए लेट सपोज, इनपुट बी, और इसी तरह इसको भी मैंने इनपुट के साथ कनेक्ट करना है, इनपुट ए के साथ, और इस एंड गेट को इनपुट बी के साथ की तरह। बेहतर ये है कि पहले आप यहाँ पर ये कनेक्शन करते वक्त पहले आप इस एंड गेट की तरफ क्लिक करें, और फिर जो है जिस वायर के साथ कनेक्ट करना हो वहाँ पर क्लिक करें। अच्छा, आउटपुट ठीक है ना, ये सम हुआ और ये लेट सपोज ये कैरी, ठीक। तो यहाँ पर मैं पिंस नहीं लगा रहा, डायरेक्ट मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल ई। अब ये अननोन नहीं है, ये इनपुट, लेट सपोज दिस इज इनपुट ए एंड दिस इज इनपुट, अच्छा कंट्रोल ई इनपुट बी, ठीक है। और इस तरह ये जो है दैट इज सम, कंट्रोल सॉरी कंट्रोल ई दैट इज सम एंड कंट्रोल ई, अच्छा ये आउटपुट था, सो दैट इज सी आउट, ठीक है। ये जो एक्सपोर्ट है मुझे इसकी टाइप चेंज करनी है, कंट्रोल आई प्रॉपर्टीज, इनपुट नहीं है आउटपुट, ठीक है। मेक श्योर कि आपने ये इनपुट आउटपुट सही तरीके से डिफाइन किया। सो ये हमारे पास अब जो है ये
एक हाफ एडर है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसका ऑटोमेटेड जो है वो टूल्स के थ्रू जो है मैंने इसका लेआउट जनरेट करना है, ठीक है। स्कीमेटिक हमारे पास आ गई, अब हमने लेआउट जनरेट करना है। सो सबसे पहले थोड़ा चेक कर लें, DRC रूल्स हमारे पास कोई नहीं वायलेट हो रहे हैं। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा सिलिकॉन कंपाइलर, और यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक है कन्वर्ट करंट सेल टू लेआउट, ठीक है। ये हमारे पास लेआउट जनरेट हुआ है, लेकिन इस लेआउट से पहले मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं, हाफ एडर के सेल में अगर आप जाएं, तो यहाँ पर दो और फाइल्स क्रिएट हुई हैं। एक है इसका, यानी ये जो स्कीमेटिक है इसका VHDL कोड यहाँ पर हमें मिल रहा है, ठीक है ना। VHDL कोड, वेरीलॉग कोड, ये ठीक है ना। ये बेसिकली VHDL कोड हमारे पास जनरेट कर रहा है। वेरी लॉग कोड के साथ इसकी कंपेटिबिलिटी का थोड़ा इशू आ रहा है। सो VHDL कोड भी तकरीबन वेरी लॉग कोड की तरह ही है। देखें हमारे पास उसमें भी यहाँ पर, वहाँ पर मॉड्यूल था, यहाँ पर हम एंटिटी डिफाइन करते हैं। पोर्ट ए, पोर्ट बी, सॉरी, वहाँ पर हम इनपुट ए, इनपुट बी, यहाँ पर देखें ए बी इनपुट बिट कंसिडर किया हुआ है, इसी तरह आउटपुट भी बिट कंसिडर किया हुआ है। और फिर ये इनिशियलाइजेशन है कि हम कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, एंड टू यूज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, जब ये हमने ये ऑटोमेटेड वो किया, तो एक और लाइब्रेरी खुली है CSLib के नाम से। CSLib में तमाम जो बेसिक्स हमारे पास गेट्स हैं उनके लेआउट्स पड़े हैं। ये बेसिकली सिलिकॉन कंपाइल्ड लाइब्रेरी ऑलरेडी इस इलेक्ट्रिक VLSI हमें प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना। इसमें इश्यूज हैं, उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन ये कि पहले मैं इनकोड को वो कर लूँ। तो ये बेसिकली दो गेट्स यूज करेगी, एंड टू गेट यूज करेगी और एक्सॉर टू गेट यूज करेगी, एक्सॉर टू गेट ये है, ठीक है ना। ये वाली क्या नाम है, लेआउट्स यूज करेंगी, और ये वाली लेआउट एंड टू लेआउट ये जो है ये VHDL पोर्ट ये यूज करेगा, ठीक है। और फिर जो है, फिर ये पोर्ट मैपिंग हुई हुई है। पोर्ट मैपिंग से मुराद यानी पोर्ट के जिस तरह हम वहाँ पर कनेक्शन करते थे, इनपुट आउटपुट को कनेक्ट करते थे वेरी लॉग में, इस तरह यहाँ पर भी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एक और फाइल है, ये फाइल जो है ये नेट लिस्ट, इस VHDL फाइल को, ये जो VHDL हमारे पास कोड है इसको कन्वर्ट करता है इनटू नेट लिस्ट, ठीक है ना। और ये नेट लिस्ट बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा सा गौर से देखें, तो ये क्या कर रहा है कि क्रिएट इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है, एंड टू का इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है, और उसका नाम दे रहा है एंड 01, ठीक है ना। एंड टू का इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं और उसको नाम दे रहे हैं एंड 01। इसी तरह एक्सोर टू का इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं और उसका नाम दे रहे हैं एक्सोर 0, ठीक है ना। अच्छा, फिर कनेक्ट कर रहे हैं एक्सोर के A1 को एंड के A1 के साथ, ठीक है। यहाँ पर भी देखें स्कीमेटिक, एक्सोर का A1 जो है यानी इसका इनपुट जो है वो इसके ए के साथ कनेक्ट कर रहा है, और इसके बी को बी के साथ कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पर भी देखें, एक्सॉर के ए को ए के साथ कनेक्ट कर रहा है, एक्सॉर के A2 को सेकंड इनपुट को A2 के साथ कनेक्ट कर रहा है, और फिर ये बाकी एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी एक्सॉर का A1 पिन को ए के साथ कनेक्ट कर रहा है, ए इनपुट के साथ कनेक्ट कर रहा है जिसको हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है ना। और उसके A2 को कनेक्ट कर रहे हैं पिन 2 के साथ। इसी तरह आउटपुट को Y को O के साथ, CO के साथ, और XOR के Y को AND के Y को CO के साथ, और XOR के Y को S के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास जो थी ये नेट लिस्ट है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये बाकी सारा ये ऑटोमेटिकली कर रहा है। लेआउट्स की तरफ आ जाते हैं, ये हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास अब ये अगर मैं इसको विजिबल कर दूं, तो ये हमारे पास एक्सॉर है और ये एंड गेट है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज याद रखें कि यहाँ पर अब
ये जो ऑटोमेटिकली जब हम इसको क्रिएट करते हैं तो ये सेल्स को वर्टिकली प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, ये वर्टिकली प्लेस कर रहे हैं। हमने इसे पहले नैंड गेट में अगर देखें तो हमने इसको हॉरिजेंटली प्लेस किया था, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली वर्टिकली जो है कॉलम वाइज इसको प्लेस करेगा, ठीक है। तो आगे जाकर जब हम अपने सेल्स को डिजाइन करेंगे, अपने सेल्स के लेआउट डिजाइन करेंगे, तो हमने इस चीज का ख्याल रखना है। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब A1 A2 जो है वो अब इसको कंफर्म कर सकते हैं कि A2 जो है वो B के साथ कनेक्टेड है, इसी तरह A जो है वो A1 के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है ना, ये A1 के साथ कनेक्टेड है, और इस तरह बाकी कनेक्शंस आप वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, जो मेन प्रॉब्लम है ये तो लेआउट डिजाइन तकरीबन हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ इस मेन प्रॉब्लम की तरफ। इसके अगर मेन प्रॉब्लम पे जाएं तो जब हम DRC रूल चेक करते हैं तो हमें कोई DRC रूल नहीं देता, लेकिन ये है कि जब हम ये बिल्ट इन लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ जो हमारे पास इनकी जो सिलिकॉन कंपाइल्ड लाइब्रेरी ऑलरेडी जो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन अगर मैं ERC रूल्स चेक करता हूँ तो मुझे तो ERC रूल्स देता है, और ये अगर मैं चेक करूँ तो बेसिकली ये ERC रूल्स और कुछ नहीं है बल्कि ये PVAL और NVAL के कनेक्शन नहीं हुए, ठीक है ना। सो अगर आपने बिल्ट इन लाइब्रेरीज यूज करनी है तो ऑल यू हैव टू डू इज टू कनेक्ट दिस विद दी पी सबस्ट्रेट, और इसको हमने एन सबस्ट्रेट के साथ कनेक्ट करना है, एन वेल के साथ। सो पी वेल कहीं पर भी प्लेस कर दें इधर, लेट सपोज मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, दैट इज, सो ये पी वेल के साथ अब कनेक्ट हुआ है, और ये एन वेल, सो आई हैव टू प्लेस इट समवेयर हियर। तो ये अब हमारे पास जो है ये तकरीबन कंप्लीट हुआ है, दैट इज एंड गेट, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं अगर इसके रूल्स चेक करूं तो नो DRC रूल्स एंड ERC रूल्स भी कोई नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो एरर था ये रिमूव हो गया फॉर एंड गेट। इसी तरह मुझे XOR गेट के लिए भी करना है, बाकी के लिए भी आप कर लें, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर नहीं कर रहा, वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ। अच्छा, पी वेल के लिए भी इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दें, और एन वेल जो है वो मैं अभी यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ और इसको कनेक्ट कर देता हूँ इस के साथ, तो ये अब कनेक्ट हो गया, ठीक है। सो अगेन मैं एक दफ़ा फिर इसके ERC रूल्स भी कोई नहीं वायलेट हो रहे, और ERC रूल्स भी वायलेट नहीं हो रहे, ठीक है। सो अब आते हैं इसको, इस लेआउट को भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें लेआउट्स में कोई एरर तो नहीं आ रही, ये एरर नहीं आ रहे और ये ERC रूल्स भी कोई वायलेट नहीं हो रहे, ठीक है। अब लेट सपोज एक छोटी सी एग्जांपल मैं कर लेता हूँ, इस सिंपल जो हमारे पास ये जो हमने स्कीमेटिक बनाया हुआ है, ठीक है ना, आप इसकी जो है वो सिमुलेशन यहाँ पर देख भी सकते हैं। पहले मैं सिमुलेशन को डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इससे मैं एक बड़ा सर्किट डिजाइन कर लेता हूँ, ठीक है ना। सो सिमुलेशंस पहले यहाँ पर बिल्ट इन सिमुलेशंस हैं ALS के नाम से, और मैं कहता हूँ कि आप इसको सिमुलेट कर दें। ये देखें, मेरे पास अब बिल्ट इन सिमुलेशन की विंडो ओपन हुई। अच्छा, इस विंडो में देखें तो हमारे पास इनपुट ए एंड बी है और सम एंड सी आउट है, यानी कि हमने करना ये है कि अब हमने इन इनपुट्स को चेंज करना है और आउटपुट को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। सो इसको चेंज करने का तरीका ये है कि पहले लेट सपोज मैंने ए को चेंज करना है, तो ये कर्सर है जहाँ पर ये कर्सर मैं रखूँगा, लेट सपोज यहाँ पर मैं कर्सर रख रहा हूँ, और उसके बाद अगर मैं वी प्रेस करता हूँ तो इसके बाद, इस लाइन के बाद जितने भी ये सिग्नल है ये वी यानी BDD की तरफ मूव करेगा, यानी इस लॉजिक वन की तरफ होगा, ठीक है। और अगर इस कर्सर को मैं मूव करता हूँ लेट सपोज यहाँ पर और मैं G दबा देता हूँ, ठीक है ना, तो अब ये क्या होगा, ये ग्राउंड की तरफ। सो इस तरह करके मैं रैंडमली कुछ वैल्यूज चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर लेट सपोज मैं इसको दोबारा V प्रेस करके और फिर इसको मैं वापस जो है वो
जी प्रेस करके तो डाउन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब लेट सपोज इस सिग्नल को, अच्छा इसको अब मैंने चूंकि सेलेक्ट, ये हो गया, ए हो गया, अब मुझे बी को सेलेक्ट करना है, सो शिफ्ट प्रेस, ठीक है ना, शिफ्ट के साथ अगर मैं इसको प्रेस करूँ बी को, ठीक है, तो अब लेट सपोज मैंने यहाँ पर इस बी की वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है ना, सो कंट्रोल वी। अब देखें यहाँ पर जब सम 0 हो, कैरी 0 हो, सॉरी ए 0 बी 0 कैरी भी 0 सम भी 0 कैरी भी 0, और अगर ए 1 है बी 0 तो सम 1 कैरी 0, ठीक है ना, और इस तरह अगर दोनों 1 है तो सम एंड कैरी दोनों जो है वो हमारे पास दोनों 1 है, दोनों इनपुट्स 1 है तो सम एंड कैरी दोनों हमारे पास 1 1 हो। तो इस तरह आप इसकी सिमुलेशन भी देख सकते हैं। याद रखें ये उनके लिए वैलिड है, ये सिमुलेशन जो मैंने अभी दिखाई है, अगर आप ऑलरेडी जो इनके बिल्ट इन कंपोनेंट्स है अगर इनको यूज करते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब अगर आप इससे फुल एडर भी बना सकते हैं, तो फुल एडर बनाने का अगेन मुझे इसके लिए जो है इसका आइकन क्रिएट करना होगा, सो यहाँ पर मैं जाऊँगा व्यू में, व्यू में आइकन क्रिएशन, आइकन क्रिएट हुआ, और अब इस आइकन को मैं फुल एडर के लिए भी यूज कर सकता हूँ, सो क्रिएट न्यू सेल, ठीक है ना, और लेआउट्स सॉरी स्कीमेटिक में जाऊंगा, स्कीमेटिक एंड फुल एडर अब मैंने लेट सपोज इंप्लीमेंट करना है। अच्छा जस्ट टू सेव सम टाइम मैंने क्या किया है कि मैंने फुल एडर को उसकी स्कीमेटिक बना ली है यूजिंग टू हाफ एडर एंड वन जो और गेट है, ठीक है ना। अब मुझे सबसे पहले मैंने अब इसकी लेआउट डिज़ाइन करनी है, सो लेआउट पे पहले जाएं, डीआरसी रूल्स वगैरह चेक करें, डीआरसी रूल्स कोई नहीं आ रहे, ठीक है ना, सो मैं अब इसको मूव कर सकता हूँ, सॉरी 1 मिनट, मैं एक्स्ट्रा विंडोज जो है उसको मैं क्लोज कर दूँ। अच्छा मैं अब इसकी लेआउट जो है उसको डिज़ाइन कर सकता हूँ, सो जनरेशन में जाए, सॉरी सिलिकॉन, और ये मेरे पास अब लेआउट जो है वो जनरेट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखें मेरे पास एक्सोर गेट है, नैंड गेट जो पहले से देखें, एक्सोर गेट्स हैं, नैंड गेट्स हैं, और गेट्स, ठीक है ना, ये सारे पहले हम कर चुके हैं, तो इन सारों को ये जो है आप बेशक इसकी कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं कि नहीं, ए इनपुट कहाँ जा रहा है, आउटपुट के साथ कनेक्टेड थी, एक नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्ट तो नहीं हुआ, ठीक है ना, ये सारे आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं फॉर सिमुलेशन। अच्छा अब मुझे मुझे जो है वो करना है, आई हैव टू टू चेक दी कनेक्टिविटी, ठीक है ना, सॉरी दी डीआरसी रूल्स, और डीआरसी रूल्स में एक एरर दे रहा है, और वो एरर है फुल एडर, ये वाला एरर दे रहा है, और मैं देखूं तो यहाँ पर कोई नोड है उसके साथ एरर दे रहा है, तो पहले मैं इसको जरा प्ले करूँ, हाँ यस, तो एरर तो ये कि ये नोड इसके साथ ऐड वो नहीं हो रहा, ठीक है ना, प्रॉपर नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, सो मुझे अब कुछ करना होगा, या तो ये है कि मैं इस, अच्छा ये चूंकि इस वीडीडी के साथ यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, तो मैं अगर या इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ या सेल के सेलेक्ट कर सकता हूँ, सेल के अंदर मैं सिलेक्शन नहीं कर सकता, मैं चेक कर लेता हूँ कि ये मुझे यहाँ पर भी ये एक्स्ट्रा नोड दे रहा है कि नहीं, हाँ यहाँ पर मेरे पास एक्स्ट्रा नोड है, सो इट मीन्स के देर इज एन एरर इन हमारे बेसिक, उसमें कहीं पर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये देखें, हाँ ये देखें, ये यहाँ पर एरर दे रहा है, सो मुझे इसको कनेक्ट करना होगा, ठीक है ना, ये दरमियान में कहीं पर पता नहीं ये डिसकनेक्शन हो गया था, इसको पहले भी हमने कनेक्ट किया था, ठीक है,
इसको एक दफा फिर चेक कर लेता हूँ, डीआरसी रूल्स, नो डीआरसी रूल्स एंड नो चेक, मे बी ये एरर आपको ना मिले, ठीक है ना। ये जो अभी एरर मेरे पास आया है, ये एरर आपको ना मिले क्योंकि ये जो है ये मुझसे कहीं गलती हुई है जिसकी वजह से ये एरर आया था। अगेन चेक कर लेता हूँ, ये देखें ये अब हमें एरर नहीं मिल रहा, ठीक है। सो ये तो था फुल एडर। इसी तरह आप बड़ा सर्किट भी बना सकते हैं, यानी इसकी इसका आइकन बनाकर 4 बिट 5 बिट एडर भी बना सकते हैं, ठीक। अच्छा, मैं VHDL, सिर्फ VHDL कोड, ये जो हमारे पास VHDL कोड है, इससे भी मैं लेआउट जनरेट कर सकता हूँ, सिर्फ अगर मेरे पास VHDL कोड हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं इस फुल एडर को दोबारा इंप्लीमेंट करता हूँ, ठीक है ना, लेआउट इसकी मैं जनरेट करता हूँ, लेकिन मैं अब स्कीमेटिक को यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है ना। सो ऑल आई हैव टू डू इज़ टू कॉपी दिस, कंट्रोल, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस एंटायर ग्रुप को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। अगेन मैं दोबारा इसको बनाता हूँ, क्रिएट न्यू सेल, और इसका नाम भी मैं लेट्स सपोज फुल एडर रख देता हूँ, फुल एडर, ठीक है ना? ओके, अब स्कीमेटिक, और मैं यहाँ पर अब एक नया सेल क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट न्यू सेल, और ये सेल जो है ये VHDL का है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर मैं, सॉरी, फुल एडर, ओके। तो अब यहाँ पर जाए, ये स्कीमेटिक ये खाली है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और सिर्फ VHDL कोड मेरे पास आएगा, ठीक है ना, कंट्रोल भी, ये देखें, ये मेरे पास सिर्फ VHDL कोड है, ठीक है ना। हाफ एडर यूज हुआ है, फुल एडर यूज हुआ है, ठीक है ना, और कहीं पर और एंड गेट भी यूज हुए होंगे, ठीक है, और गेट भी यूज हुआ। सो अब मैं इससे जो है इससे फुल एडर इंप्लीमेंट कर देता हूँ, तो सॉरी ये लेआउट जनरेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरे पास अब लेआउट्स हैं यूजिंग VHDL कोड, यहाँ पर स्कीमेटिक नहीं है, ठीक है ना। देखें, क्रिएट इंस्टेंस एंड गेट का है, एग्जॉर का है सिर्फ उसने, ठीक है ना, और हाफ एडर के इंस्टेंस उसने क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो ये सारी और का एक इंस्टेंस उसने क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये सिर्फ VHDL कोड से ये मैंने लेआउट जनरेट किए। इस तरह आप किसी भी सर्किट की VHDL कोड यहाँ पर लिख के तो लेआउट जो है ये जनरेट कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपके आप उसमें बेसिक ये जो गेट्स हैं ये यूज़ कर रहे हैं।